अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूबी किचन गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? ठीक ठाक हैं? तो आज हम आए हैं गार्डन में। आज हम बना रहे हैं आलू और भिंडी की सब्ज़ी। ये देखें, भिंडियाँ देखें माशाल्लाह कितनी बड़ी बड़ी और लंबी हो गई हैं और बिल्कुल नरम है, पकी नहीं है अभी, तो इनको तोड़ लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ। कुछ लोग ना हली भिंडियाँ नहीं खाते, मेरा भी एक बेटा नहीं खाता कोई भी तो मैं उसमें ना आलू डाल लेती हूँ, मतलब जिसका दिल चाहे वो भिंडी खा ले और जिसका दिल चाहे वो आलू खा ले। तो चलिए इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। देखें काफ़ी सारी हुई हैं, इनको सबको हम तोड़ लेंगे। और माशाल्लाह से इनकी हेल्थ देखें। और ये देखें, ये निशानी है इसकी, यानी कि पकी हुई नहीं, जो पकी हुई हैं वो टूटेंगी नहीं, और ये ऐसे टक टक करती टूट जाएंगी। अब चलते हैं दूसरी साइड पे, जो पौधे लगे हुए हैं उनसे भी उतार लेते हैं। कुछ मेरे भिंडी के प्लांट ये हैं, ये देखें, इनसे भी उतार लेते हैं। देखें ये देखें कैसे ऐसे टूट रही है ना, हाथ लगाते सारी टक टक कितना मज़ा आता है ना इसकी आवाज़ से ये। और ये देखें, मैं आपको ना इनकी गलहरियों की कारस्तानी दिखाती हूँ। ये देखें, इन्होंने ना बैंगन, इतने ज़्यादा बैंगन मेरे खाए हैं ना हरा। मैंने हार्वेस्ट नहीं किए थे, मैं रेसिपी भी नहीं थी बना रही, क्योंकि काफ़ी सारी अपलोड कर दी थी मैंने इसकी रेसिपी। तो मैंने कहा चले, मैं ना मेरी सिस्टर मांग रही थी तो मैं उनको गिफ्ट दे देंगी, यानी कि एक नेबर में भी भेजूँगी और कुछ ना सिस्टर को भी दूँगी। काफ़ी सारे थे तो इन्होंने ना सारे, ये देखें, ये देखें आप, इन्होंने इतने मेरी तबाही की है ना बैंगनों की। कुछ प्लांट्स ये हैं, ये देखें, इनसे भी उतार लेते हैं। ये देखें कितनी कितनी लंबी हैं माशाल्लाह। जी फ्रेंड देखें कितनी सारी हमें मिल गई है। तो इसमें हम एक या दो आलू डालेंगे और इसकी बनाते हैं चल के रेसिपी। और ये मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने क्रेट्स लिए हैं सारे, ये विंटर वेजिटेबल्स के लिए लाई हूँ और इनकी भी तैयारी करनी है अभी। वेलकम बैक टू किचन फ्रेंड्स। तो मैं बना रही हूँ आज भिंडी और आलू की सब्ज़ी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। जिनको भिंडियाँ पसंद नहीं है वो आलू भी खा सकते हैं, ऑप्शन इसमें रख सकते हैं आप। तो मैं ले आई हूँ ऊपर गार्डन से ये भिंडियाँ तोड़ के, तकरीबन हाफ के जी भिंडियाँ होंगी और दो मीडियम साइज़ के इसमें आलू जाएंगे और दो ही मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने कट कर लिया है आलू और प्याज को भी। और स्पाइसेस में जाएगा हाफ टी स्पून हल्दी, एक टी स्पून लाल मिर्च है और एक टी स्पून नमक है। नमक आप हसबे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लहसुन अदरक है तकरीबन एक टेबल स्पून, दोनों को मिला के। और साथ में बस ज़ीरा डाल रही हूँ मैं इसके, एक टी स्पून ज़ीरा है इसमें। एक छोटा टमाटर है, चार पाँच हरी मिर्चें हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे आलूओं को, क्योंकि इनको थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम आलू मसाला डाल के तो आलू बनाएंगे। तो भिंडियाँ मैं कट कर लेती हूँ साथ साथ आपके। जी फ्रेंड तो देखिए, ऑयल मैंने डाला था हाफ कप, ऑयल हमारा गर्म हो गया। तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ज़ीरा, देखें, फिर हम डाल देंगे इसमें ये लहसुन और अदरक। ऑयल काफ़ी गर्म हो गया है, लहसुन अदरक देखें हो गया, इसको ज़्यादा नहीं कुक करना। बस अब हम इसमें डाल देंगे आलू, क्योंकि आलू थोड़ा सा टाइम लेंगे तो इसलिए हम सबसे पहले आलू डालेंगे। भिंडियाँ इतनी जल्दी वो गल जाती हैं ना, उनको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। और इस रेसिपी में हम भिंडियाँ फ्राई भी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही डायरेक्ट पकाएँगे। तो चलिए अब इसमें आलू डाल देते हैं। आलू को हम कवर करके रख देते हैं ताकि ये ज़रा गल जाएं। जब तक हमारे आलू थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं तो हम भिंडियाँ जो हैं इनको काट लेते हैं। इनका हम काटेंगे ये वाला, मतलब ये थोड़ा सा साइड ऊपर से उतारेंगे ऐसे करके, और थोड़ा हम ये यहाँ से कट करेंगे।
और बाकी साइज आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख लें, कितना बड़ा रखना है, छोटा रखना है। ये देखिए इतना साइज़ काफ़ी है। ऐसे आपने सारी भिंडियाँ काट ले ली हैं, तो चलिए मैं भी सारी भिंडियाँ काट के तो फिर आपको दिखाती हूँ। सी फ्रेंड, भिंडियाँ काट ली हैं मैंने, टमाटर को भी काट ली है और ये हरी मिर्चें भी काट ली हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आलू हमारे सॉफ्ट हो गए हैं थोड़े। जी आलू देखें कितने अच्छे से हो गए हैं। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज मैंने पहले इसलिए नहीं था डाला क्योंकि प्याज को ना मतलब खड़ा खड़ा रखना है, जैसे हम भिंडियों में प्याज डालते हैं ना, तो वैसे का इस पोजीशन में हम डालेंगे ना तो ये ज़्यादा ओवर कुक नहीं होगा और भिंडियों के साथ ही वो भिंडियों में पता प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं, खड़े खड़े से प्याज। अब ये सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़े से प्याज, तो फिर हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। देखिए प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं। दो मिनट के लिए मैंने इसको कवर नहीं किया, ऐसे ही रखा है। अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें और जो टमाटर हमने काटा था वो भी डाल देते हैं। दो मिनट इसको भूनेंगे ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, तो और जो हरी मिर्ची हमने डाली है उसका भी जायका जो है ना इसमें आ जाए। तो इस फिर हम डालेंगे इसमें वो जो हमारी भिंडियाँ। जी टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, ये देखें टमाटरों का जो मॉइस्चर था ना वो आ गया इसमें। सारी हमारी वेजेस जितने भी हमने डाली थी, अब हम इसमें डालेंगे ये स्पाइसेस, ये डाल देते हैं और इनको कर लेते हैं मिक्स। हमें ओवर कुक नहीं करना, बहुत ही इजी टू रेसिपी है, बिल्कुल इजी सी, आसान सी, जल्दी जल्दी बनने वाली क्विक रेसिपी है। बस इसको ये देखे मिक्स कर लिया। अब हल्का सा मैं पानी डालूंगी इसमें ताकि ये जो हमने इसमें मिर्चें और हल्दी वगैरह डाली है ना मसाले, ये हमारे जले ना। ये फ्रेंड थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ, तकरीबन एक दो टेबलस्पून पानी है इसमें। ये सिर्फ इसलिए डाला है कि हमारे जो मसाले हैं ना वो जले ना। चलिए अब इसमें भिंडियाँ डाल देते हैं, ये जो हमने कट करके रखी थी भिंडियाँ, अब हम वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके ना तो अब कवर करके रख देंगे ताकि इसी मॉइस्चर में जो हमने डाला थोड़ा सा पानी और टमाटर डाले थे, इसी ग्रेवी में हमारी ये जो भिंडियाँ ये भी पक जाएं। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है, मीडियम सी दम वाली आंच जो होती है ना आपने वैसी आंच रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे आलू भी हो गए हैं, प्याज भी हो गए हैं, सिर्फ हमारी भिंडियाँ रह गई हैं तो इनको हमें कुक करना है, तो इसलिए हम इसको बस हल्की आंच पे दम दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं 10 मिनट बाद। जी फ्रेंड देखिए माशाल्लाह से हमारी आलू भिंडी की जो सब्ज़ी है ना बिल्कुल रेडी हो गई है, ऑयल छोड़ दिया उसने 10 मिनट से भी पहले ही, मैंने इसका मतलब कवर इसको हटा दिया और चेक करने के लिए देखा था, तो ये देखे बिल्कुल ये रेडी हो गई है, पक गई है और ऐसे ही हमने रखना है। हमने इसकी अफादियत ख़त्म नहीं करनी कि ज़्यादा भून भून के तो इसके जितने भी हमारी वेजेज़ हैं उसके सारे मिनरल्स विटामिन वगैरह ज़ाया हो जाएं। आपने इसको ऐसे ही रखना है। ये देखें माशाल्लाह से देखने में भी खूबसूरत लग रही है और खाने में भी, भिंडी भी गल चुकी है, आलू भी, सारा कुछ हमारा रेडी हो गया। तो चलिए इसको कर लेते हैं डिश आउट। जी तो हम करेंगे इसको डिश आउट, हमारी ये खूबसूरत सी जो मुल्तानी हांडी है इसके अंदर। देखने में कितने खूबसूरत लग रही है तो खाने में कितना टेस्ट होगा। आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया डालें, हरी मिर्ची डालें, अच्छी लगेंगी। मैं इसके ऊपर ये पुदीना छोटा छोटा सा काट के डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल रही हूँ। हरी मिर्ची मुझे बहुत पसंद है, अच्छी लगती है वैसे भी इस तरह की जो ड्राई वाली जो जिस हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो उसमें
रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार टेस्टी रेसिपी है। अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और अगर नहीं है मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।